अस्सलाम वालेकुम। आर फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ द ह्यूमन बॉडी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल्स के बारे में कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स हमारे पास स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स हैं कि हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल्स हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन जो उनसा है वो भी डिफरेंट होता है। तो हम सबसे पहले सेल्स को देखते हैं कि सेल्स को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपका घर है वो ब्रिक्स से मिलके बना हुआ है। ब्रिक्स जो सी हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट आपके घर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर आप अपने घर को ब्रेकआउट करें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट निकलेगा वो ब्रिक्स हैं। ब्रिक्स से मिलके आपकी पूरी बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग, आपका जो हाउस है वो फुल हमें एक शेप में नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में भी देयर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इतने सेल्स हैं हमारी बॉडी में और हमारी जो फुल बॉडी है वो सेल्स से मिलके बनी हुई है। लेकिन कुछ हमारे पास डेड सेल्स भी हैं, कुछ लिविंग सेल्स भी हैं, बट जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्स से मिलके बनी हुई हैं। उनका सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो सेल्स हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेल्स की डिफरेंट टाइप्स और उनके फंक्शंस। हमारे पास सबसे पहले नर्व सेल है। नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है? वो ब्रेन से मैसेज को कन्वे करता है हमारी पूरी बॉडी में। ब्रेन से वो मैसेज लेते हैं और उसके बाद ये उसके डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू वो पूरी बॉडी तक हमारे पास ब्रेन का मैसेज कन्वे करता है। नेक्स्ट रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स अनदर टाइप ऑफ सेल्स। इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है कि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। हमारी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन जाती है, हम सिर्फ ये सांस लेते हैं, सिर्फ ये हमारे लंग्स तक नहीं रहती ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को चाहिए होती है और रेड ब्लड सेल्स का ये फंक्शन है कि वो पूरी बॉडी तक ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स कौन से हैं? ये हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं, हमारी जो स्किन है वो एपिथेलियल सेल्स से मिलके बनी होती है और ये डेड सेल्स होते हैं हमारी जो हम अक्सर ये हमारे लिए एक हैरानगी की बात होगी कि हमारी जो स्किन है वो डेड सेल्स से मिलके बनी हुई है और अप्रोक्सीमेटली हम इनको शेड भी करते हैं और वन ईयर में हम 5 to 6 kg हम अपने ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये डेड सेल्स हैं, इनको हम शेड करते हैं अपनी बॉडी से।